नमस्कार दोस्तों, नव भारती स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समावेशी शिक्षा का महत्व, सिद्धांत और लाभ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं, विशेषताएं और गुण। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। तो क्या होती है समस्या समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है बच्चों, हर प्रकार के बालक को एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा और एक ही प्रकार के शिक्षकों द्वारा अध्ययन करवाने वाली जो शिक्षा है बच्चों, उसी को हम कौन सी शिक्षा बोलते हैं, समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन आज न केवल भारत बल्कि विश्व के काफी देशों में दी जा रही है। तो इसके पीछे क्या है ऐसा समावेशी शिक्षा में, कि समावेशी शिक्षा का आज बहुत ज्यादा महत्व बना हुआ है। तो पहला पॉइंट देखिए, व्यक्तिगत शक्तियों का विकास। आप जानते हैं समावेशी शिक्षा में एक ही कक्षा में जब बच्चा बैठता है तो हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो बच्चा अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कौशल सीखता है और उसके अंदर जो व्यक्तिगत कुशलताएं हैं उनका विकास समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होता है। उसके बाद आता है स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित। आप जानते हैं विशेष जो विद्यालय होते हैं, अगर दृष्टि बाधित बच्चों की अलग से कक्षाएं लेती हैं तो उनको एक विशेष नियंत्रित वातावरण दिया जाता है। नियंत्रित वातावरण में बच्चा उतनी उन्नति या उतना स्वाभाविक रूप से नहीं सीख पाता, जबकि सामान्य विद्यालय जहां पर सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यालयों के विद्यार्थियों में जो टीचर होता है वो एक सरलीकर्ता, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। वो समस्या पैदा करता है, समस्या बताता है और बच्चे अपने ज्ञान के आधार पर स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, उस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं कौन सी शिक्षा में बच्चों, समावेशी शिक्षा में। उसके बाद होता है विद्यालय संस्कृति का विकास। देखो बच्चों, अगर सामान्य विद्यार्थियों और विशिष्ट बालकों को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे में भेदभाव की भावना आएगी, बच्चे में दया की भावना आएगी, बच्चे में कुंठा की भावना आएगी, बच्चे में हीन भावना आएगी, बच्चे में नकारात्मक भावना आएगी विशिष्ट बालक में। लेकिन अगर सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे में समानता की भावना का विकास होगा, बच्चे में सहयोग की भावना का विकास होगा, बच्चे में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा, बच्चे में अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की भावना पैदा होगी। तो विद्यालय में एक संस्कृति पैदा होगी, सहयोग, सहानुभूति, परस्पर सहयोग, मित्रता, स्नेह, कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा की भावना। तो एक कल्चर बन जाएगा कि कोई विद्यार्थी किसी भी रूप में भिन्न नहीं है, सभी को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध है। कक्षा गतिविधियों में भाग लेने का अवसर। आप जानते हो अगर विशिष्ट कक्षाओं में असक्षम बालकों को अलग से पढ़ाया जाता है तो वो केवल उन्हीं गतिविधियों में भाग ले सकता है, लेकिन अगर सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ पढ़ाया जाएगा तो जो विशिष्ट बालक हैं वो कक्षा की गतिविधियों में क्या ले पाएंगे, भाग लेने का उनको अवसर मिल पाएगा। जैसे कक्षा में अगर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है तो वो उस गतिविधि में भाग ले पाएंगे, कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है तो वो उसमें भाग ले पाएंगे, शिक्षक द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है उस गतिविधि में भाग ले पाएंगे, इसके अलावा कक्षा में कोई अभिनय हो रहा है तो उसमें भाग ले पाएंगे, कक्षा में अगर ब्लैक बुलेटिन जो बोर्ड है उसको सजाने वाला कार्यक्रम या क्रियाविधि हो रही है उसमें भाग ले पाएगा। तो हर अवसर में बच्चा भाग ले पाएगा। तो समावेशी शिक्षा जो है इसके लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो पहला पॉइंट क्या है,
व्यक्तिगत शक्तियों का विकास होता है। स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता है, इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का अपना ही महत्व है। कक्षा गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है, व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए प्रेरित। आप जानते हैं हर बच्चा अलग है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लेखक बनना चाहता है, कोई कवि बनना चाहता है, तो अलग अलग बच्चा जो है क्या है उसके लक्ष्य अलग अलग है, तो व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर बच्चा आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित होता है। हो सकता है विशिष्ट बालक देख नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कौशल है कि उनको वो बहुत अच्छा कर सकता है, तो अगर सामान्य बालकों के साथ बैठेगा, उनकी गतिविधियों में अगर हिस्सा लेगा, तो वो बच्चा आगे अपने कार्य में अभिप्रेरित होगा, और वो उन कार्यों में अगर सामान्य बालक से अच्छा कर पा रहा है तो वो बच्चा क्या करेगा बच्चों, वो बच्चा व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। शिक्षा गतिविधि में माता पिता का सहयोग, आप जानते हैं एक सामान्य जो विद्यालय होते हैं उसमें माता पिता को स्कूल से अटैच करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे, उनमें माता पिता को इनवाइट किया जाता है। इसके अलावा पीटीएम में बुलाया जाता है, आजकल तो एमटीए भी होने लग गई है। इसके अलावा माता पिता का सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, उनमें अभिभावकों को आमंत्रित करवाया जाता है, बच्चों के कई प्रकार के कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं उसमें माता पिता को बुलाया जाता है, कई शैक्षिक परामर्श देने के लिए माता पिता को बुलाया जाता है, तो समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग भी लिया जाता है। माता पिता भी विद्यालय से कनेक्टेड होते हैं, तो विद्यालय से कनेक्टेड अगर माँ बाप होंगे तो अभिभावकों और अध्यापकों दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रहेगी, तो वो बच्चे को दोनों अभिभावक हो चाहे टीचर हो दोनों ही विद्यार्थी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा जो महत्व है वो यही है कि इसमें माता पिता के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। समानता का सिद्धांत विकसित, आपने देखा विशिष्ट शिक्षा में विशेष बच्चों की अलग शिक्षा होती है, समेकित शिक्षा में केवल लंच टाइम में वो लोग मिल सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों में एक साथ भाग ले सकते हैं, लेकिन उनकी कक्षाएं जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का विस्तार करती है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित कर रही है, क्योंकि आज हमारी शिक्षा का नारा है सबके लिए शिक्षा, सबको शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 है, और इसी अनुच्छेद 21 में एक जोड़ा गया बच्चों 21A, क्या जोड़ा गया था 21A, और इस 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ये कहां कही गई है? अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में, और अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया बच्चों? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 से जोड़ा गया, और शिक्षा के अधिकार को संविधान ने मान्यता प्रदान कर दी, तो इसी शिक्षा के अधिकार को आगे बढ़ा रही है। कौन सी शिक्षा? इंक्लूसिव एजुकेशन। प्राकृतिक वातावरण का विकास, अब आप जानते हो अगर विशिष्ट बच्चों को विशिष्ट कक्षाओं में भेजा जाएगा, नियंत्रण पूर्ण वातावरण में भेजा जाएगा, तो बच्चा उतना ही सीख पाएगा जितना कि विशेष कक्षाओं में सिखाया जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर सामान्य बालकों के साथ उस बच्चे को बिठाया जाएगा तो बच्चा सामान्य बालक की एक्टिविटी देखेगा कि वो भी सामान्य बालक जैसी एक्टिविटी कर पा रहा है, वो सामान्य बालक जैसा ही है, तो उसको एक जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चे का प्राकृतिक वातावरण का क्या होगा? विकास होगा, वो इस समाज के साथ अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित कर पाएगा बच्चों। उसके बाद आता है सामाजिक गुणों का विकास, मैंने बताया सामान्य बालक के साथ बैठेगा तो स्नेह, परोपकार, सहयोग, सहानुभूति,
जो सामाजिक गुण है आपके, परोपकार की भावना, सबका सहयोग करने की भावना, परिवार में सब सामंजस्य के साथ रहने की भावना, माता पिता का आदर करने की भावना, गुरुजनों का आदर करने की भावना, अपने एक दूसरे सहपाठियों में सहयोग की भावना, ये सब विचार तभी आ सकते हैं जब बच्चे में कुंठा का विकास नहीं हो, उसको ये नहीं लगे कि उसको जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो दूसरे को मिल रहे हैं। अगर बच्चे को समान अधिकार मिलेंगे तो बच्चे में कौन से गुणों का विकास होगा? सामाजिक गुणों का, समाज के विरोधी गुणों का उस बच्चे में विकास नहीं होगा। अगर बच्चे को अच्छा माहौल नहीं दिया जाएगा, अगर बच्चे को अच्छा माहौल नहीं दिया जाएगा तो बच्चा कुंठित हो जाएगा, बाल अपराधी बन जाएगा, समस्यात्मक बालक बन जाएगा। तो समावेशी शिक्षा में ये गुण है, इसीलिए आज पूरे भारत में समावेशी शिक्षा को ज्यादा मान्यता प्राप्त है। तो क्या है महत्व इसका? पहला, व्यक्तिगत शक्तियों का विकास होता है। जो विशिष्ट बालक, अक्षमता वाले बालक है, उनमें व्यक्तिगत शक्तियों, उनके अंदर की जो क्वालिटी है वो निकल करके आती है। स्वाभाविक रूप से नियंत्रण पूर्ण वातावरण नहीं होता है सामान्य विद्यालयों का, जबकि विशिष्ट विद्यालयों का वातावरण बहुत ज्यादा नियंत्रित होता है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से नहीं सीख पाते हैं। उनके आस पास वो ही माहौल नियंत्रण पूर्ण वातावरण रहता है, जबकि सामान्य विद्यालयों में स्वाभाविक प्राकृतिक वातावरण रहता है, उचित वातावरण रहता है, जिसमें बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होता है। विद्यालय संस्कृति का विकास, विद्यालय संस्कृति का विकास, सहयोग, सहानुभूति, एक दूसरे के साथ रहना, वाद विवाद का आयोजन होना, एक साथ कक्षा में जाना, एक साथ प्रेयर करना, तो एक संस्कृति बन जाती है बच्चे में। मित्रता की भावना, मिलजुल कर रहने की भावना, बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, समस्त राष्ट्र का भारतीय नागरिक होने की भावना, सामाजिक भावना, सामाजिक समायोजन की भावना, अनेक संस्कृतियों का विकास बच्चे में हो जाता है बच्चों। फिर है कक्षा गतिविधियों में भाग लेने का अवसर, वाद विवाद प्रतियोगिता, जो भी प्रतियोगिता विद्यालय में होती है बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है। शिक्षा गतिविधि में माता पिता का योगदान, आपको मैंने बताया था क्लास में या आजकल अभिभावक पेरेंट्स मीटिंग होती है उसके अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिता में पेरेंट्स को आमंत्रित किया जाता है। जितने भी स्कूल्स में राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनमें अध्यापकों को बुलाया जाता है। अध्यापकों को समय समय पर किसी बच्चे की शिकायत आने पर उनसे बार बार संपर्क स्थापित किया जाता है। तो कई बार जो है समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग लिया जाता है, माता पिता के सहयोग के कारण उनकी समस्या का पता चल जाता है। प्राकृतिक वातावरण का विकास होता है और सामाजिक गुणों का विकास होता है, इसीलिए समावेशी शिक्षा का अपना ही महत्व है। अब बात आती है कि इतना महत्व है समावेशी शिक्षा का, तो समावेशी शिक्षा किन किन सिद्धांतों पर कार्य करती है? तो समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, समावेशी शिक्षा मानती है हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की क्वालिटी अलग है, हर बच्चे की आवश्यकताएं अलग है, हर बच्चे की क्षमताएं अलग है। तो कोई बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है, कोई बच्चा औसत हो सकता है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई बच्चा सृजनात्मक हो सकता है, कोई बच्चा समस्यात्मक हो सकता है, कोई बच्चा बाल अपराधी हो सकता है। तो हर बच्चा व्यक्तिक है, किसी सीखने की कैपेसिटी कम हो सकती है, किसी की एकाग्रता बहुत अच्छी है, किसी की एकाग्रता बिल्कुल अच्छी नहीं है, कोई गणित में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है, कोई भाषा का उच्चारण करने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा भाषा उच्चारण नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो अलग अलग अक्षमताएं अलग अलग बच्चे में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है बच्चों सामाजिक, क्या बताया था मैंने, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता के सिद्धांत पर काम करती है और इसी व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर ही पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाता है। एक ही कक्षा में एक ही पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, व्यक्तिगत शक्तियों का विकास होना चाहिए, उनकी क्षमताओं का विकास होना चाहिए, उनकी योग्यताओं का विकास होना चाहिए। तो इसी सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। एक टीचर द्वारा जो विभिन्न टेक्निक शिक्षण विधियों का, प्रविधियों का जो प्रयोग किया जाता है, इस व्यक्तिगत सिद्धांत पर कार्य
करती है। दूसरा जो सिद्धांत अपनाया जाता है बच्चों, माता पिता द्वारा सहयोग। अब आपको पता है कि क्लास में कोई बच्चा समस्यात्मक है, कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है, किसी बच्चे को फर्स्ट रो में बिठाया जा रहा है फिर भी वो ढंग से लिख नहीं पा रहा है, कोई बच्चा गणित में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो आप इसके लिए माता पिता का सहयोग लेते हैं, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करते हैं, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, कोई दृष्टिबाधित है पेरेंट्स को कहते हैं कि उसके चश्मा लगवाया जाए। तो माता पिता के सहयोग पर आधारित है बच्चों कौन सी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो माता पिता के सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है बच्चों कौन सी, समावेशी शिक्षा। फिर आता है भेदभाव रहित शिक्षा। मैंने आपको बताया कक्षा में किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई सामान्य बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा एक ही क्लास में बैठता है, तो बच्चे में जो भेदभाव की भावना है वो हट जाती है। समावेशी शिक्षा में बच्चे को लगता है कि हर क्लास में भेदभाव होता है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जाता है कि बच्चे में भेदभाव की भावना नहीं आए, तो भेदभाव रहित वातावरण पर कार्य करता है। क्यों, एक कक्षा, एक विद्यालय, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको समान शैक्षिक अवसर, सबको उचित वातावरण, सबको कक्षा में समान गतिविधियों में भाग लेने का अवसर, ये सारी चीजें बच्चे को उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसका मतलब है बच्चों भेदभाव रहित शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करती है कौन सी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। उसके बाद आता है बच्चों वातावरण नियंत्रण पूर्ण। कक्षा का जो वातावरण होता है बच्चों समावेशी शिक्षा में नियंत्रण पूर्ण होता है, समय पर आना है, समय पर पीरियड्स होते हैं, हर पीरियड की अपनी एक विशेषता होती है, अलग अलग अध्यापक आते हैं, एक औपचारिक पूर्ण तरीके से कक्षा आरंभ होती है, कक्षा समाप्त होती है, विभिन्न टेक्निक से उनको क्रमबद्ध तरीके से नियंत्रण पूर्ण वातावरण में बच्चे को पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा का पहला सिद्धांत ही है बच्चों क्या, नियंत्रण पूर्ण वातावरण होना भी जरूरी है। बच्चे को इतना खुला भी नहीं छोड़ा जाता है कि बच्चे को समय का ज्ञान नहीं हो, उसको पता होना चाहिए कि पीरियड्स, क्लास में पीरियड्स होने हैं, टीचर आएगा पढ़ाएगा, ये एक नियंत्रण पूर्ण वातावरण, समय का ध्यान रखते हुए वातावरण का निर्माण किया जाता है बच्चों। उपलब्धता का सिद्धांत, अब आपको पता है कि कक्षा में विभिन्न विभिन्नताओं वाले बालक बैठे हैं, अगर किसी को विशेष कक्षाओं की, जैसे मंद बुद्धि बालक है, कोई बच्चा ऐसा गणित में अच्छा नहीं है, तो उसको विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा उनके लिए। आपको पता है कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, बहुत आगे कर सकता है, तो उसके लिए भी अलग से कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, उनके उसी लेवल की योग्यताओं की क्षमता का विकास करने के लिए अध्यापकों को कहा जाएगा कि आप ऐसे बालकों को अलग कीजिए। प्रतिभाशाली बालक को थोड़ा अलग किया, इसके अलावा मंद बुद्धि को अलग किया, गणित में अक्षमता वालों को अलग किया, सीखने में जो अलग है उनको अलग किया, भाषाई अक्षमताओं को अलग किया, तो ये बालकों की कैटेगरिया बनाकर उनकी उपलब्धता के आधार पर शिक्षा प्रदान करना बच्चों समावेशी शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। तो समावेशी शिक्षा उपलब्धता के सिद्धांत पर कार्य करती है। समान सहभागिता का सिद्धांत, अब आपको पता है बच्चा सभी कक्षा में बैठते हैं, निबंध प्रतियोगिता में जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो उसमें भाग ले सकता है, संगीत में जिसकी रुचि है वो उसमें भाग ले सकता है, और अगर कक्षा को किसी कार्य के लिए कि ये श्रम सहयोग आज आपको करना है, या किसी खेलकूद प्रतियोगिता या फिजिकल पीरियड अगर बच्चे को आ रहा है, तो बच्चे की समान सहभागिता का वातावरण बनाया जाता है, बच्चे को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, हर बच्चे को काम दिया जाता है उसकी विद्वता के आधार पर। समान सहभागिता का विकास जो है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों क्या, सार्वजनिक व निजी स्वतंत्रता का अधिकार। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को कक्षा में शिक्षक से प्रश्न पूछने का अधिकार है, हर बच्चे को कक्षा में टीचर से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का अधिकार है, किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है सीखने में, तो सीखने में अगर कठिनाई हो रही है तो सवाल जवाब कर सकता है, माता पिता भी स्कूल आकर के बच्चे के बारे में जो चीज़ें बता रहे हैं उनमें स्कूल प्रशासन देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये सारी स्वतंत्रताएं जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होती है। तो इन सात सिद्धांतों पर काम करती है कौन सी शिक्षा बच्चों, समावेशी शिक्षा। तो कौन कौन सा, एक बार दोबारा देखिए,
व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, माता पिता द्वारा सहयोग, भेदभाव रहित शिक्षा, वातावरण कैसा हो, नियंत्रण पूर्ण, उपलब्धता के सिद्धांत पर आधारित, समान सहभागिता का सिद्धांत, सार्वजनिक व निजी स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो ये सात सिद्धांत है जिन पर समावेशी शिक्षा कार्य करती है। बच्चों इसको नोटबुक में उतार लेना और सिद्धांतों की डिटेल जो मैंने आपको समझाई है उसको ध्यान से सुने और इनको समझने की कोशिश करिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा लिख पाओ। ठीक है बच्चों, ये बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। बच्चों अब आता है समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हो रहे हैं। आज हम सामान्य बालकों को विशेष बालकों के साथ जो शिक्षा दे रहे हैं उसका क्या क्या हमें बेनिफिट देखने को मिले। आप जानते हैं आज जो एक सामान्य शिक्षक जो सभी तरह के बच्चों को पढ़ा रहा है, चाहे समस्यात्मक हो, चाहे बाल अपराधी हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, किसी भी टाइप का बच्चा हो, तो शिक्षक CWSN जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है उनसे भी उच्च अपेक्षाएं करने लग गया है। आज शिक्षक भी मानने लग गया है कि हर बच्चे में अपेक्षाएं होती है, क्वालिटी होता है। अगर भगवान एक कमी छोड़ता है तो दूसरा विशेष गुण दे सकता है। तो शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हुआ है शिक्षकों में। कौन सी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद आता है सामान्य एवं विशेष शिक्षक बिना किसी भेदभाव के बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं। आज आपको पता है आज एक कोई विकलांग बच्चा है तो हो सकता है कि उसकी क्या IQ लेवल बहुत अच्छा हो, एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहा हो, गणित में टॉप कर रहा हो, साइंस में टॉप कर रहा हो, तो आज ये बात टीचर को पता चल गई है। आज शिक्षक बिना किसी भेदभाव के इस बात से उम्मीद कर रहा है कि शारीरिक रूप से विमंडित बालक भी प्रतिभाशाली हो सकता है। आज चाहे विशेष शिक्षक हो चाहे सामान्य शिक्षक, हर शिक्षक ये समझ चुका है, उसकी उम्मीदें बन चुकी है कि विकलांग बालक भी कक्षा में बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये दो बेनिफिट आपने समझे। तीसरा देखो अंतःक्रिया का मौका। आज आपको पता है अगर विशिष्ट कक्षाओं में विशेष बालकों को शिक्षा दी जाती है तो वो सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। सामान्य बालकों के साथ खेल कूद रहे हैं, सामान्य बालकों के साथ लंच कर रहे हैं, सामान्य बालकों के साथ प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, सामान्य बालकों के साथ प्रायोगिक मतलब संगीत क्लास में जा रहे हैं, शारीरिक शिक्षा वाली क्लास में जा रहे हैं, तो उन बच्चों को एक दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने का मौका केवल कौन सी शिक्षा में मिल रहा है बच्चों? समावेशी शिक्षा में। आपने देखा एक सामान्य बालक जब टीचर से संवाद करता है तो एक विशिष्ट बालक उसको देखता है और धीरे 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 करके वो शिक्षक से संवाद करने लग जाता है, प्रश्न पूछने लग जाता है, उत्तर देने लग जाता है। तो उसको किसका मौका मिल रहा है बच्चों? अंतःक्रिया का मौका मिल रहा है। CWSN सामान्य बालकों के साथ सामाजिक स्वीकार्य व्यवहार। आपको पता है शारीरिक रूप से विमंडित बालक है तो उसमें एक तरीके की कुंठा आ जाती है। वो सोचता है कि वो सामान्य बालक जितना अच्छा नहीं है, उसमें नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है, समाज द्वारा भी उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन अब जब बच्चा सामान्य बालकों के साथ बैठता है, उनको देखता है, उनकी क्वालिटीज को देखता है, उनकी चीजों को देखता है, उनकी गतिविधियों को देखता है, तो उनके साथ सामाजिक व्यवहार और मित्रता का व्यवहार बनाने लग जाता है और धीरे 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 सामाजिक जो गुण है, सामाजिक जो आचार विचार है, नीति नियम है, सामाजिक जो क्रियाकलाप है, सामाजिक जो कार्यक्रम है, उसमें धीरे 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 हिस्सा लेने लग जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है सामाजिक भागीदारी में बढ़ोतरी। अब आपको पता है सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, माता पिता क्लास में आ रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, निबंध प्रतियोगिता में एक दूसरे बच्चे भाग ले रहे हैं, तो समाज की नियमों को, समाज मतलब समाज की मान्यताओं के अध्ययन के में अपनी जो संवेगात्मक बुद्धि है, मतलब अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, उनको समाज के साथ समायोजित करने लग जाता है और समायोजन करने लग जाता है तो बच्चे में रक्षात्मक युक्तियां भी पैदा हो जाती है और बच्चा धीरे 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 अगर उसके मन में द्वंद्व
कुंठा, निराशा, ऐसे विचार आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अगर समायोजन हो जाएगा, सामाजिक भागीदारी हो जाएगी बच्चे की, तो बच्चे में कुंठा, तनाव, द्वंद ये सब स्थितियां पैदा नहीं होगी बच्चों। समायोजन की समस्या मैंने बताई थी, सामान्य बालकों के साथ बैठेगा, सामान्य बालकों के अभिभावकों के साथ मिलेगा, खेलकूद करेगा, नाटक करेगा, अन्य एक्टिविटी करेगा, क्लास में बैठेगा, टीचर के साथ संवाद करेगा, तो बच्चे में समायोजन आ जाएगा और कुसमायोजन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। कार्यात्मक व प्रयोगात्मक, मैंने आपको बताया कि किसी क्राफ्ट से संबंधित कोई काम शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, बच्चा उसको क्लास के अंदर करता है, तो कई प्रयोगात्मक चीजें वो कर रहा है, प्रायोगिक कार्य कर रहा है, लैब में जा रहा है, टेक्निक्स का यूज कर रहा है, तो ये सब सीखने का उसको क्या मिलता है? सामान्य बालक को देखता है कि वो किस प्रकार प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार डिजाइन को बना रहा है, तो ये सब चीजें अगर विशिष्ट बालक देखता है तो उसमें कार्यात्मक और प्रयोगात्मक रूप से सीखने का उसको मौका प्राप्त होता है। समस्यात्मक बालक बनने से आपको मैंने बताया था, अगर बच्चा समाज के साथ समायोजित नहीं होगा, सामान्य बालकों के प्रति उसका नकारात्मक दृष्टिकोण होगा बच्चों, तो वो धीरे धीरे अपराधी बन जाएगा बच्चा, कुसमायोजित हो जाएगा और आत्महत्या जैसे जो चीजें हो रही है आज समाज में बच्चे के साथ, वो चीजें बच्चे के साथ होने लग जाएगी, क्योंकि वो बालक अपने आप को इस समाज के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो समस्यात्मक बालक को रोकने के लिए कुंठा व ग्रंथियों को समाप्त करने की में इसका योगदान रहा है, समावेशी शिक्षा का योगदान रहा है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, शिक्षकों का CWSN से भी उच्च अपेक्षाएं पैदा हो गई है समावेशी शिक्षा के कारण, सामान्य और विशेष शिक्षा बिना किसी भेदभाव के CWSN छात्रों से भी उम्मीद करने लग गए हैं। आज समावेशी शिक्षा के कारण विशेष बालक सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रियाएं करने लगा है, CWSN सामान्य बालकों के साथ सामाजिक स्वीकार्य व्यवहार करने लग गया है, सामाजिक भागीदारी में क्या होने लग गई है, बढ़ोतरी होने लग गई है। आज विकलांग बालक सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी लेने में झिझक महसूस नहीं करता है, समायोजन की समस्या दूर, बच्चा समाज के साथ समायोजित हो चुका है, नियम कायदों को समझने लग गया है। कार्यात्मक प्रयोगात्मक सीखने का क्या मिल रहा है, उसको मौका मिल रहा है, समस्यात्मक बालक नहीं बन पा रहा है और कुंठा व ग्रंथियां जो विकलांग बच्चे में जन्म से पैदा हो रही थी समावेशी शिक्षा के कारण, वो चीजें भी क्या हो गई है बच्चों, दूर हो चुकी है। तो आज आपने समावेशी शिक्षा का महत्व, सिद्धांत और लाभ तीनों चीजें पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समावेशी शिक्षा का इतिहास, समावेशी शिक्षा की पृष्ठभूमि, समावेशी शिक्षा के आधारों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। देखो बच्चों, जो मैंने इस बोर्ड पर लिखाया है उसको अपनी नोट कॉपी में लिखते जाए और समावेशी शिक्षा का जो मैं आपको क्वेश्चन लिखूं उसका आंसर जरूर दे। समावेशी शिक्षा के वन लाइन लीनियर जो क्वेश्चन बनते हैं, आज आप कमेंट बॉक्स में उन लीनियर क्वेश्चंस को लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा के वन लीनियर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो आपको आज यही करना है कि समावेशी शिक्षा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये सब आज आपको लिखना है। इस वीडियो में सबको यही मैसेज है कि समावेशी शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आज आपको वन लीनियर क्वेश्चन बनाना है जो आपके सीटेट, रीट इन सब के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो मैं रेणु वैद आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो बनाती रहूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे वीडियोस आपको देख सकूँ, अपनी आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।